जे इन्हों लगता दो परचे दर्ज करा के अपना करप्शन के खिलाफ आवाज चकनी बंद कर देंगे तो इन्हों की गलतफहमी है। उदा तो करप्शन के इल्जाम लगन तो बाद ही साधु सिंह धर्मसोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सी। सरकार की पूरी सपोर्ट, मुख्यमंत्री साहब की पूरी सपोर्ट उन्होंने मिल रही है। जब तक इस भ्रष्ट मंत्री बर्खास्त नहीं किया जाएगा आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी ने अरविंद केजरीवाल जी को देश द्रोही कहता तो कर कौन रहा जिदे अपने तालुक एक इदा के इंसान नाल ने जो पाकिस्तानी डिफेंस की पत्रकार है तो 24 घंटे इन्हों के नाल रहे। पर जो यह पता लगा कि पंजाब सरकार के वड्डे वड्डे फैसले उस पाकिस्तानी सिटीजन वालों ले जाते हैं तो सवाल पूछना लाजमी हो। पंजाब के चुने विधायकों मिलने वास्ते तुहाडे कोल टाइम नहीं पर 24 घंटे तुसीं अरुष आलम नाल रहिंदे हो। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह साडे नाल ने पंजाब के प्रधान जरनैल सिंह उन्होंने गलबात करते हैं। नाभे विखे धरना लगाया गया जी, उहदे विच आम आदमी पार्टी के कुछ आगुओं के परचे दर्ज हो रहे हैं। धर्मसोत ते इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के वजीफे लैके घोटाला किया, उहदे विच परचे दर्ज हो रहे हैं, उन्होंने किवें देखते हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सब तो वड्डी आवाज़ का नाम है आम आदमी पार्टी। जे इन्हों लगता दो परचे दर्ज करा के अपना करप्शन के खिलाफ आवाज़ चकनी बंद कर देंगे तो इन्हों की गलतफहमी है। उदा तो करप्शन के इल्जाम लगन तो बाद ही साधु सिंह धर्मसोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सी। नहीं तो जो सरकार के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कैबिनेट तो उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए सी। दे सीधे सीधे तथ्य सामने आ रहे हैं पर उल्ट इतने हो रहा है। सरकार की पूरी सपोर्ट, मुख्यमंत्री साहब की पूरी सपोर्ट उन्होंने मिल रही है पर इन्हों जो लगता भी दो परचे कराउंड तो आप उत्तर हट जाएंगे तो इदा का कुछ नहीं हो लगा। जब तक इस भ्रष्ट मंत्री बर्खास्त नहीं किया जाएगा आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। इस तो अलावा मुख्यमंत्री साहब ने जिवें आप देखा जाए कि जिहड़ी ऑक्सीजन दे चैकर नूं लैके केजरीवाल ने कहा सीगा वी पंजाब लैवल ते इह तैयारी की जाए तो चैक किया जाए, उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल नूं इह देश द्रोही दस्सिया, पंजाब दे मुख्यमंत्री उन्हें किवें देखदे हो? वेखो सब तो पहला तुसीं पंजाब दे हालात ते नज़र मारो। 2 सितंबर नूं 106 मौतां पंजाब विच करोना नाल होईआं ने। 3 सितंबर की गल करिए कल दी 72 मौतां पंजाब विच कोविड नाल हो रही ने, जबकि दिल्ली विच भी इस तो ज़्यादा केसेस हर दिन आते हैं पर डैथ रेट कितना कंट्रोल किया तुसीं वेखो हर दिन 20 तो थले मौतां होंदियां ने। मौत भावें एक भी होवे दुखदाई होंदी है पर दिल्ली ने ऑक्सीमीटर की मदद नाल डैथ रेट नूं कंट्रोल किया। इस चीज़ के फैक्ट हैगे ने कि टाइम रेंदे जे किसी नूं कोविड है जे साह लैण च दिक्कत होवे उहदा टाइम टू टाइम ऑक्सीजन लेवल चैक किया जाए तो जे उहदा ऑक्सीजन लेवल लिमिट तो थले जाता है उन्होंने ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचण के आसार बहुत वध जांदे ने। एक सक्सैसफुल एक्सपैरीमेंट नूं जो दिल्ली च आपां कीता उत्थे सरकार ने कीता, इत्थे सरकार वो करन च फेल है ते आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब दे लोकां नूं सरकार दे भरोसे नहीं छड्ड सकदी साडे परिवार ने ते आम आदमी पार्टी वल्लों कोशिश की गई भी कि आपां हर पिंड विच ऑक्सीमीटर का प्रबंध करा दईए। सानू लगता सी भई वायदे तो सरकार खुशी होएगी भी आपां चंगा काम कर रहे हैं सरकार इहदी तारीफ करेगी पर तारीफ करन दी थां ते बुखलाहट इन्नी वध गई कि कल पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी ने अरविंद केजरीवाल जी नूं देश द्रोही कहता। हैरानी की गल है कि इदां दे इंसान नूं देश द्रोही कहना जिन्हें देश की राजनीति विच एक नवा म्यार सैट किया भी इमानदारी नाल सरकारां किदां काम करदियां, पूरी दुनिया जिहदी तारीफ हुंदी है ते कर कौन रहा जिदे अपने तालुक एक इदां दे इंसान नाल ने जो पाकिस्तानी डिफेंस की पत्रकार है तो 24 घंटे इन्हां दे नाल रहिंदी है। लगभग हर पंजाबी दे दिल च सवाल उठता भी अरूष आलम है कौन? अज बड़े खुले तौर पर आपां परसनल लाइफ किसी की इंटरफेयर नहीं करना चाहते सी पर जो यह पता लगा कि पंजाब सरकार के वड्डे वड्डे फैसले उस पाकिस्तानी सिटीजन वालों ले जाते हैं तो सवाल पूछना लाजमी हो गया। जो कैंपेन चलाई सी इन्होंने 4 साल पहला उहदा नाम सी जी चाहुंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार, अज पुछदा है पंजाब कैप्टन तो सवाल भई है कौन ने असी ते तुहानू चुणिया सी मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री की थान पर फैसले कौन ले जाता है? अज कैप्टन साहब को कन्फर्म करना पैना है भी इन्हों के अरूष आलम नाल की रिश्ते ने, पंजाब के वड्डे वड्डे फैसले अरूष आलम क्यों लेंदे ने ते अरूष तुसीं पंजाब के लोगों को मिलने वास्ते तुहाडे कोल टाइम नहीं हैगा, पंजाब के चुने विधायकों को मिलने वास्ते तुहाडे कोल टाइम नहीं, ओपोजिशन पार्टी को मिलने वास्ते तुहाडे कोल टाइम नहीं, इवन तुहाडे मंत्री तक कंप्लेन करते हैं कि तुसीं उन्हां नूं मिलदे नहीं पर 24 घंटे तुसीं अरूष आलम नाल रहिंदे हो तो यह सब सवाल अच्छ पंजाब के मन है जिसका जवाब अच्छ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो इस PC के राही लिया गया। इस तो अलावा हूँ पंजाब के सबका मुख्यमंत्री के आए ने आर्डीनेंसा के मुद्दे लैके उन्होंने किमें देख रहे हो? बादल साहब ने आ जाहिर करता बी बादल साहब अपने आप को सारी जिंदगी एक पंथक पार्टी तो किसान की हितैषी पार्टी किसानों की दसते रहे
पर पंथक पार्टी के राज विच जो किसान पंजाब विच बदहाली हुई पंथ का जो कांड होया वो किसी तो लुकिया नहीं। किसानों की गल करते अज बची कुची गल उन्होंने ऑफिशियली MSP ऑर्डिनेंस की सपोर्ट भी जो गल आखी वो कह के क्लीयर कर दी है बई सानू सब तो ज़्यादा प्यारी अपनी सेंटर वाली साड़ी नूर राणी की कुर्सी है। पंजाब के किसानों का जो नुकसान होंगे हो जाए सानू उसकी परवाह नहीं। पंजाबी बोली कल J&K ऑफिशियल जो सूची होंगी है भाषावां दी उहदे च ऐड नहीं किया गया किसी की आवाज़ नहीं निकली भावें पंजाबी बोली का मामला होवे भावें पंजाब के किसानों का मामला होवे भावें पंथ का कोई मामला होवे हर मामले ते इन्हां नू अपनी कुर्सी प्यारी है इन्हां चीज़ों नाल कोई प्यार नहीं। नवजोत सिद्धू बारे आम आदमी पार्टी नवजोत सिद्धू नूं आउण नूं लैके कोई चर्चा होई होवे? नहीं हजे उन्होंने कोई गल नहीं हुई मीडिया से तुहाडे वल्लों सवाल पूछे जाते हैं मेरा विचार है भी उन्होंने तो पूछा जाए कोई मुख्यमंत्री अहुदे दा ऐलान कोई डिसाइड करांगे टाइम आउट ये सर जरनैल सिंह जिन्होंने पंजाब के वक्खो वक्खरे मुद्दों से गलबात की। कैमरामैन जतेंद्र दे नाल मैं सुखवीर पंगू पटियाला। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन पर क्लिक करो।